हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th मैथ्स चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.3 के बचे हुए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 11। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 11 तो बहुत ही अच्छा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आपसे कहता है आर निकालिए और फॉर्मूले का यूज कर आपको आर की वैल्यू निकालनी है। आपको दे रखा है 5PR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6PR माइनस 1। इसके लिए आपको सबसे पहले परम्यूटेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमारे पास NPR का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? फैक्टोरियल N फैक्टोरियल N माइनस R, राइट? तो यही चीज हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे लिए N है और ये R है, तो 5PR का हम फॉर्मूला लगा देंगे यहां पर। तो क्या होगा? फैक्टोरियल 5 माइनस R 2 एज इट इज, फैक्टोरियल N माइनस R। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ध्यान से ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 1, है ना? 6 माइनस R माइनस 1 है तो हो जाएगा 6 माइनस R प्लस 1। तो ये हो गया फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस R। और जो फैक्टोरियल वाली चीजें हैं वो हम एक जगह पर ले जाते हैं जनरली, ठीक है? तो हम ये था रूट सॉरी फैक्टोरियल 6 अपॉन 7 माइनस R फैक्टोरियल, तो इसको हम यहां ले जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये 2 यहीं रह गया, क्लियर? अब हमने क्या करना है, ओपन करना है जो इन दोनों में से बड़ा है। तो देखिए 5 और 6 में से बड़ा कौन है? फैक्टोरियल 6, तो हम इसे ओपन करेंगे। अब इन दोनों में से भी आइडेंटिफाई करिए इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ध्यान से देखिए। अब देखिए अगर आप फैक्टोरियल 6 ओपन करेंगे तो उसके रस्ते में फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, क्योंकि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, तो 6 लिखने के बाद फैक्टोरियल 5 हम लिख देंगे। सिमिलरली आपको यह पहचानना होता है कि 5 माइनस आर बड़ा है या 7 माइनस आर बड़ा है। ऑब्वियसली 7 माइनस आर बड़ा है, क्यों? अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो क्या करो, एक एग्जांपल ले लो, आर को ले लो 2 फॉर एग्जांपल। नाउ 5 माइनस 2 इज 3 एंड 7 माइनस 2 इज 5। आपको समझ आ गया होगा कि ये बड़ा है ना, तो हम इसको ओपन करेंगे इसके रस्ते में ही आ जाएगा। तो हम इसको और इसको ओपन करेंगे, ये एज इट इज लिखेंगे, क्लियर? तो फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 माइनस आर को एज इट इज लिखा, पहले आएगा 7 माइनस आर, फिर नेक्स्ट टर्म कैसी आती है, 1 माइनस हो जाता है, तो 7 माइनस आर माइनस 1 कितना आ गया, 6 माइनस आर, फिर 6 माइनस आर में से 1 माइनस हो जाएगा तो 5 माइनस आर आ गया। इसका तो कोई एंड नहीं है ना, तो इस पार्ट को हमने लगा दिया फैक्टोरियल। सेम 6 के बाद क्या आएगा, इससे कम 5 4 3 2 1, और उसको हमने लिख दिया 5 फैक्टोरियल। नाउ 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया आपके पास, और 5 माइनस आर से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कट गया। बस अब आपके पास क्या रह गया, 7 माइनस आर 6 माइनस आर, इस 6 को हमने यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 12। अब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए 7 को इन दोनों से माइनस आर को इन दोनों से, अब 12 को इधर ले आएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गई आर स्क्वायर माइनस 13 आर, 42 में से 12 चला गया था 30। ना हमें मल्टीप्लाई करने पे 30 चाहिए, एड लेस करने पर 13 चाहिए, है ना? तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू 3। तो ये आपके पास फैक्टर्स हो गए। तो आर की दो वैल्यूज हमारे सामने आ गई बच्चों, एक आ गई 10 और एक आ गई 3। 10 इज नॉट पॉसिबल, क्यों आप बताइए? जो R होता है वो N से बड़ा कैसे हो सकता है ना? यहां पर N 5 है और मैक्सिमम N यहां पर 6 है, तो R उससे बड़ा कैसे हो जाएगा? हमेशा जो अवेलेबिलिटी होती है उसी में से ही आप ऑप्शन चूज करेंगे ना, तो R कैन नॉट बी ग्रेटर देन द N। तो N मैक्सिमम यहां 6 है, तो यहां पर R की वैल्यू आपके पास 10 नहीं हो सकती, इसलिए हमारा R 10 रिजेक्ट कर दिया गया और R की वैल्यू 3 हो गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ ट्वाइस हट गया है ना? तो ऐसा मत सोचिएगा कि इसका आंसर उस जैसा ही आएगा, इस क्वेश्चन से पहले वाले में यहां पर ट्वाइस था, बट हाँ फॉर्मूला सेम खोलना है, ये एन है ये आर है, तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 माइनस आर, यानी फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन माइनस आर। सिमिलरली फैक्टोरियल 6 माइनस दिस, जब आप माइनस करोगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये कितना हो गया 7 माइनस आर, क्लियर? अब यहां पर क्या है कि हम लोग जो 5 और 6 वाले हैं उसे एक तरफ कर लेंगे, यानी कांस्टेंट वाले, और जो R वाले हैं वो एक तरफ कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये आ गया फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस आर और ये हो गया फैक्टोरियल 6 अपॉन 7 माइनस आर। अब हमें किसी भी कीमत पर फैक्टोरियल तो हटाना है क्योंकि हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो हमें यह देखना होता है कौन सा बड़ा है। तो हमने सबसे पहले तो क्या किया, 5 के पास ये वाला फैक्टोरियल 6 ले आए और इसको वहां ले गए। बिल्कुल आप कर सकते हैं, सिर्फ इतना सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी पॉसिबल है, तो इसको हम यहां ले गए, इसको हम यहां ले आए, ठीक है? अब हमें पता है कि 5 और 6 में 6 बड़ा है, और 5 माइनस आर और 7 माइनस आर में कौन बड़ा है, 7 माइनस आर, है ना? हमने अभी इससे पिछले वाले एक पार्ट में आपको करके दिखाया, बिल्कुल सेम है। आप आर को कोई भी वैल्यू ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आप आर को 3 ले लीजिए, तो 5 माइनस 3 2 और 7 माइनस 3 4, तो आप देखिए यही बड़ा है ना, तो इसे हम ओपन करेंगे, इसके रस्ते में ये आ जाएगा। तो सिमिलरली फैक्टोरियल 5 एज इट इज, 6 ओपन करेंगे, एक कम आएगा 5 4 3 2 1, उसको हमने लिख दिया फैक्टोरियल 5। सेम एज इट इज, 7 माइनस आर
में से वन माइनस करोगे सिक्स माइनस आर, में से वन माइनस करोगे फाइव माइनस आर, और ये चलता रहेगा, तो इसको हमने लिख दिया फाइव फैक्टोरियल। अब ये वाली चीज इससे कट गई, फैक्टोरियल फाइव से फैक्टोरियल फाइव कट गया, बस अब आपने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पर वन है आपके पास राइट, तो ये वाली जो चीज है यहां मल्टीप्लाई हो गई और सिक्स आपका राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो गया। सेम यही सेवन को पूरे ब्रैकेट से, आर को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे और फिर सिक्स को इधर ले आओगे, तो आर स्क्वायर आगे आ गया माइनस थर्टीन आर, फोर्टी टू में से सिक्स चला गया 36। अब हमें मल्टीप्लाई करने पे 36 चाहिए और एड लेस करने पे 13 चाहिए, तो हमारे फैक्टर हो गए 9 4, तो आर स्क्वायर माइनस नाइन आर माइनस फोर आर प्लस 36। यानी यहां से हमारी आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, एक बार आपके पास फैक्टर बनेगा आर माइनस नाइन और एक आपका फैक्टर बनेगा आर माइनस फोर। अब आप इसे जीरो के इक्वल रखेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, नाइन, और फोर आर की वैल्यू नाइन पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप ये देखिए यहां पर आपके पास मैक्सिमम एन फाइव और सिक्स, सिक्स मैक्सिमम एन है आपके पास, एन से बड़ा आर नहीं हो सकता कभी भी, है ना, तो यहां पर आर की वैल्यू नाइन नहीं हो सकती, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया, तो आर की वैल्यू यहां पर एक्सेप्टेबल कौन सी है, फोर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट। चलिए क्वेश्चन नंबर एट में आपके पास हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। बेसिकली हमें क्या करना है, इक्वेशन में जितने भी लेटर्स हैं काउंट कर लीजिए, थ्री थ्री सिक्स और ये आपके पास टू, एट अल्फाबेट है, इन एट अल्फाबेट का इस्तेमाल कर आपसे पूछ रहा है कि अगर मैं इनको जम्बल्ड कर दूं कितने वर्ड्स बन सकते हैं, इरिस्पेक्टिव कि उसका मीनिंग क्या है, इन आठ लेटर्स को अगर आप जम्बल्ड करें तो कितने आठ लेटर वाले शब्द आप बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप ये जरूर चेक करेंगे कि इन आठ लेटर्स में से कोई रिपीटेड लेटर्स तो नहीं है, क्योंकि रिपीटेड लेटर्स के केस में हमें डिवीजन करनी पड़ती है, हमने आपको एग्जाम्पल में भी समझाया था राइट, तो कोई भी रिपीटेड लेटर यहां पर हमें नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले हम वही इसको फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह सॉल्व करेंगे, हम अपने आठ बॉक्सेस बना लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब आप बताइए अगर आपके पास आठ लेटर्स हैं आपके हाथ में, है ना, और आपको शब्द बनाना है, वर्ड बनाना है, तो आप यहां आठ में से कोई भी लेटर पुट कर सकते हैं, ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, कुछ भी पुट कर सकते हैं। जब आपने अपने हाथ में से एक लेटर यहां पुट कर दिया, अब आपके पास कितने लेटर्स रह गए आपके हाथ में, सात, यानी सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय सेवन वेज। सिमिलरली एक लेटर फिनिश हो गया होगा तो यहां पर सिक्स वेज हो गए, यहां फाइव वेज हो गए, फोर हो गया, थ्री हो गया, टू हो गया, वन हो गया, ऐसा हमने पहले भी करा, और कोई रिपीटेड अल्फाबेट नहीं है सबसे जरूरी चीज। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, एट सेवन सिक्स फोर, इनका मल्टीपल सिंपल शब्दों में एट फैक्टोरियल। और बच्चों इसको लिखना भी जरूर आना चाहिए, और इसे कैसे लिखना है, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एट वेज, सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय सेवन वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय सिक्स वेज, फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड बाय फाइव वेज, एंड सो ऑन, अगर ज्यादा हो तो आप लिख सकते हो सो ऑन, लास्ट में आप लिखोगे दस द टोटल नंबर ऑफ वर्ड इज इक्वल टू एट फैक्टोरियल, और आपको एट फैक्टोरियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा पेयरिंग कर लेंगे तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए आप इनकी पेयरिंग कर लीजिए, थर्टी आ गया, फिर आप इनका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, एक इनका मल्टीप्लीकेशन, फिर आपको तीन डिजिट मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे जो कंपेरेटिवली आसान रहेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। तो इसमें आपके पास टोटल छह लेटर्स हैं, आप देखिए तीन तीन का अगर हम पेयर बनाए, छह लेटर्स हैं और छह के छह डिफरेंट लेटर्स हैं। आपको कह रहा है कि इन छह लेटर से आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं, और कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। कंडीशंस दी गई हैं, फर्स्ट कंडीशन में है कि आपने इन छह में से सिर्फ चार लेटर का ही वर्ड यूज करना है, यानी चार लेटर का वर्ड बनाना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन बेशक छह हैं लेकिन आपको चार लेटर का ही वर्ड बनाकर बताना है। सेकंड में है ऑल लेटर्स आर यूज्ड, मतलब आप छह लेटर के कितने वर्ड्स बना सकते हैं। थर्ड में कहता है ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज बॉबल। सबसे पहले देखिए हम अपने बॉक्सेस बना लेते हैं समझने के लिए, मंडे में छह लेटर्स हैं हमारे पास, हमने अपने चार बॉक्सेस बनाए, क्यों, क्योंकि हमें फर्स्ट ऑप्शन में कितने लेटर का वर्ड बनाना है, सिर्फ चार लेटर का। बेशक हमारे हाथ में कितने लेटर्स हैं, छह लेटर्स हैं, हमारे हाथ में छह लेटर्स हैं, एम ओ एन डी ए वाई। अब हमें चार लेटर्स का वर्ड बताना है कितने बन सकते हैं अगर आपके पास छह लेटर्स अवेलेबल है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि आप फर्स्ट प्लेस में कितने लेटर्स फिल, ऑप्शन है आपके पास, छह में से कोई भी लेटर फिल कर सकते हो, आप एम भी फिल कर सकते हो, ओ भी कर सकते हो, एन भी कर सकते हो, डी भी कर सकते हो, ए भी कर सकते हो, वाई भी कर सकते हो। आपने एक लेटर यहां पर पुट कर दिया, कोई भी एक, है ना, तो आपके पास कितने लेटर
लेटर्स रह जाएंगे सेकंड के लिए, 5 रह जाएंगे। फिर आपने एक लेटर यहां पुट कर दिया तो यहां के लिए कितने रह जाएंगे, 4, और यहां के लिए कितने रह जाएंगे, 3। तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 4 लेटर्स के कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो लिखना जरूर है बच्चों। देखो थियोरेटिकल जो हमने आपको बताया है, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज एंड सो ऑन। और लास्ट में आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मल्टीप्लाई कर 360 वर्ड्स। यानी अगर आपके पास ये 6 लेटर्स हैं और इनका इस्तेमाल कर आपको ये बताना है कि 4 लेटर्स वाले कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो इट्स अ 360, राइट। अब क्वेश्चन नंबर इसी का बी पार्ट देखते हैं। ऑल लेटर्स आर यूज्ड, इसका मतलब आपको 6 के 6 लेटर्स फिल करने हैं। तो अब हम जो ये डब्बे बनाते हैं भाई, बॉक्सेस बनाते हैं, कितने बना देंगे, 6 बॉक्सेस बना देंगे, है ना। अब आपके हाथ में फिर से कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं। तो यहां पर आपके पास ऑप्शंस कितनी है, 6। बेशक आप फिल कितना करोगे, 1, है ना, कोई भी एक लेटर आप यहाँ पे लिख दोगे, एम लिख दोगे, ओ लिख दोगे, एन, कोई भी एक। लेकिन ऑप्शन कितने आपके हाथ में, 6। 6 में से आपने एक लेटर पुट कर दिया। अब आपके पास यहां पर फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं, 5। यहां पर फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है, 4, 3, 2, 1, राइट। सेम, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज एंड सो ऑन। दस टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। तो आपने क्या करना है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, कितना आ जाएगा आपके पास, 720 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं थर्ड में क्या कहता है बच्चों। थर्ड में कहता है ऑल लेटर्स यूज करने हैं, यानी 6 के 6 लेटर वाला वर्ड बनाना है, लेकिन फर्स्ट लेटर वोवल होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहां पर 6 बॉक्सेस बना लिए, क्लियर। अब मुझे एक बात बताइए, मंडे में वोवल कौन कौन सी है, एक ओ है और एक ए है आपके पास, 2 वोवल्स हैं। तो इसका मतलब जो फर्स्ट बॉक्स है उसको फिल करने के सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं आपके पास, क्योंकि उसने क्लियरली बोला है कि फर्स्ट लेटर वोवल होना चाहिए, ठीक है ना। वैसे आपके पास 6 लेटर्स थे, बट वोवल अगर आपने अलग करे, देखिए 6 लेटर्स थे बट अगर आपने वोवल अलग करे तो 2 ही है, और ये 4 कॉन्सोनेंट्स हैं आपके पास, तो आपके पास इस प्लेस को फिल करने के 2 ऑप्शंस हैं। अब आपने एक ही लेटर इसमें पुट किया होगा, करना तो एक ही लेटर है ना, या दो दो थोड़ा ना आप डाल सकते हैं। तो एक लेटर आपने कोई भी पुट कर दिया, अब आपके पास कितने रह गए, 1 वोवल रह गया होगा और 5 कॉन्सोनेंट रह गए होंगे। यानी अल्टीमेटली 6 में से पुट तो एक ही किया होगा ना, और यहां पर हमने 2 क्यों लिखा है, क्योंकि आपने स्टार्ट वोवल से करना है। तो यहां पर आपके पास कितने रह जाएंगे, 5, सेम 4, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं जो वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 240। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो टुगेदर वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल में भी हमने कराया है, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन बी अरेंज्ड इफ द 4 आईज नॉट कम टुगेदर इन द वर्ड मिसिसिपी। देखिए आप नॉट कम टुगेदर नहीं निकाल सकते हैं, पहले आप टुगेदर वाले जरूर निकाल सकते हैं। तो जब भी नॉट टुगेदर वाला आए तो आपको 3 स्टेप लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपके पास जितने भी ये अल्फाबेट हैं, अगर हम इन्हें काउंट करें, 3, 3, 3 एंड 2, यानी 9 प्लस 2, 11 अल्फाबेट है इसके अंदर, राइट। ये जो टोटल अल्फाबेट आपके पास है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि इन 11 अल्फाबेट से कितने वर्ड्स बन सकते हैं, स्टेप 1। नाउ स्टेप 2, ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिसमें आई टुगेदर आएगा। फिर स्टेप 3 होता है, जो टोटल वर्ड्स बनते हैं उसमें से आई टुगेदर वाले वर्ड अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नॉट टुगेदर वाले आ जाते हैं। सबसे पहले काम करिए, टोटल वर्ड्स आपने काउंट कर लिए, 11 है, और इनका बाइफरकेशन कुछ इस तरीके से है कि आई इसमें 4 बार है, एस 4 बार है, टी 2 बार है, बाकी सब एक एक बार है, लाइक जो एम है वो यहां पर एक बार है, राइट। अगर आप देखेंगे 8, 9, 10, 11, तो आपके पास ये जो 11 वर्ड्स हैं इनका बाइफरकेशन कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हमारा स्टेप होगा इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालेंगे हम लोग कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो देखिए कितने अल्फाबेट हैं यहां पर, 11 अल्फाबेट हैं, तो 11 बॉक्सेस बनेंगे, 11 × 10 × 9 × 8 × 7 इस तरीके से चलता रहेगा। यानी हमारे पास आ गया 11 फैक्टोरियल। हमने आपको बताया था कि अगर कभी भी रिपीटेड वर्ड्स आए तो उनसे डिवाइड करना होता है, क्यों। अब देखिए ये आपके सामने शब्द लिखा हुआ है मिसिसिपी, अगर मैं ये वाला एस इधर कर दूं और ये वाला एस इधर कर दूं तो क्या कोई नया वर्ड बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा,
जबकि ये 11 फैक्टोरियल में इस एस को इधर करके इस एस को इधर करके ये इसे एक और वर्ड काउंट कर लेगा। तो जब भी रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, रिपीटेड लेटर्स होते हैं, तब आपको डिवीजन जरूर करनी है, क्योंकि उसके अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो डबल बार ट्रिपल बार काउंट हो गए हैं और उनको आपने हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवीजन करना पड़ता है। तो क्योंकि आई 4 बार है तो 4 फैक्टोरियल, एस 4 बार है तो 4 फैक्टोरियल, पी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। अब आप इसे ओपन करेंगे तो 11, 9, 8, 7, 6, 5 एंड 4, तो एक 4 फैक्टोरियल आपका कट जाएगा, बाकी आपको 4 फैक्टोरियल ओपन करना पड़ेगा और एक 2 फैक्टोरियल भी ओपन करना पड़ेगा और ये इससे कट जाएगा। और आपके पास टोटल जो आंसर आएगा इस केस में ये आ रहा है हमारा 34650, यानी जो टोटल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं मिसिसिपी के अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करके, दैट इज 34650, राइट। अब हमें वो वर्ड्स देखने हैं जिसमें आई साथ में आया है। क्या आया है? आई साथ में आया है। जहां पे भी ये वर्ड बने मिसिसिपी से अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करके, लेटर्स का इस्तेमाल करके, जहां भी आपने वर्ड बनाए उसमें ये चारों आई ना एक साथ आए हैं। अब हम इसे कैसे डील करते हैं, मान लीजिए आपके पास 11 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब 11 में से ये 4 फ्रेंड, मतलब ये जो 4 आई हैं भाई, ये तो बेस्ट फ्रेंड है, जहां जाएंगे साथ में जाएंगे, और बाकी के जो 7 हैं वो आप अलग कर लीजिए। अब अगर मान लीजिए कि एक मूवी हॉल में ले जाया जा रहा है एक स्कूल की तरफ से और ये 11 स्टूडेंट जा रहे हैं, तो ये 4 स्टूडेंट पक्के फ्रेंड है, मतलब इनमें से एक जना भी चला जाता है तो सीट पक्की हो जाती है 4 जनों की, यानी ये बाकी लोगों के साथ अरेंज नहीं करते, ये आपस में अरेंज करते हैं। तो देखा जाए तो कितने लोगों ने जाके सीट पकड़नी है, एक ये, इनको हमने एक ग्रुप मान लिया, एक जना ये और 7 जने ये, यानी कुल मिला के कितने लोगों को जाकर सीट पकड़नी है, 8 लोगों को, यानी यहां पर आएगा 8 फैक्टोरियल। यानी पहले तो एक जना ये और 7 जने ये आपस में सीट अरेंज करेंगे, कौन सी सीट इनको पकड़नी है इन टू में। फिर जब इनमें से कोई भी एक जना पहुंच जाएगा और 4 सीटें बुक कर लेगा, फिर ये 4 जने भी आपस में अरेंज करेंगे, हम चारों में से कोई बैठेगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी यहां पर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। और एक बात मत भूलना, इन 11 अल्फाबेट्स के अंदर 8 और 4 जो भी आपके पास है, इनमें जो टोटल अल्फाबेट्स हैं वो रिपीट हुए हैं, तो आपको ये 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, एक ये इससे कट गया। अब आप इसे ओपन करेंगे 8 फैक्टोरियल को, तो कैसे ओपन होगा, 8 × 7 × 6 × 5 और एक 4 फैक्टोरियल आएगा, तो एक तो 4 फैक्टोरियल काट देंगे और 2 × 1, तो ये इससे कट जाएगा आपके पास, ये इसे काट दीजिए, तो ये आपके पास जो लेटर्स आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं बच्चों आप लोगों के पास 840 वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि जब आपने टोटल वर्ड्स बनाए थे इन अल्फाबेट्स का इस्तेमाल कर तो 34650 वर्ड्स थे, लेकिन आउट ऑफ 34650 ओनली 840 ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें आए जहां भी आया होगा साथ में आया होगा, यानी जो चारों आई हैं ये एक साथ आए होंगे, आई 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 आई, ये चारों आई जहां पे भी आएंगे, एम के बाद, एस से पहले, जहां पे भी आएंगे चारों आई साथ में आएंगे, तो ऐसे कितने वर्ड्स हो गए 840। अब अगर आपको ये पता करना है कि ऐसे कितने वर्ड्स हैं 34650 में से जिसमें आई साथ में नहीं आया, तो बहुत ऑब्वियस है कि ये टोटल वर्ड्स हैं आपके पास 34650, इसमें से आपको 840 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिसमें आई साथ में नहीं आया, दैट इज 33810। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए अब 11th क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशन बी अरेंज्ड, ठीक है। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं, अगर वर्ड स्टार्ट है पी से, एंड है एस से, सेकेंड है वॉवल्स ऑल टूगेदर, इसके बाद थर्ड वाला आपको कहता है देयर आर 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस, दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड वन। वैसे तो ये पूरा क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है। टोटल देखिए परमुटेशन में कितने लेटर्स हैं, सबसे पहले 12 लेटर्स हैं। रिपीटेड अल्फाबेट देखना बहुत जरूरी है, तो टी जो है आप देखेंगे यहां 2 बार है, तो 12 में से अगर हम बात करें 2 जो है वो टी है और 10 जो है वो सिंगल एलिमेंट्स हैं आपके पास जो एक ही बार रिपीट हुए हैं, एक ही बार आए हैं सॉरी, तो टी 2 बार है ना, और रिपीटेशन को डिवाइड करना बहुत जरूरी है। तो पहला जो आपके पास कंडीशन है, हमने 12 डब्बे बना लिए यहां पर, है ना, 12 बॉक्सेस बना ली, ठीक है। अब हमें कहता है कि वर्ड स्टार्ट होना चाहिए पी से, एंड होना चाहिए एस से, यानी उसने मुझे फिक्स कर दिया कि यहां पर आपने एक ही लेटर फिल करना है, अपने हाथ में से उठा के पी पुट कर दो यहां पर, और यहां पर भी फिक्स कर दिया कि यहां पर एस ही पुट करना है और तो कुछ पुट ही नहीं करना, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर आप बताइए कितनी ऑप्शन है आपके पास, ओनली 1। यहां पर भी आपके पास कितनी ऑप्शन है, ओनली 1। टोटल आपके हाथ में लेटर्स कितने थे, 12, जिसमें से 1 यहां पुट हो गया, 1 यहां पुट हो गया, नाउ रिमेनिंग
10 लेटर्स आर देयर, तो इसका मतलब इसको फिल करने के लिए आप 10 में से कोई भी लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 10 हो गया आपके पास, इसमें 9 में से कोई, इसमें 8 में से कोई, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसका मतलब हमें क्लियर हो गया कि हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, देखिए 1 × 10 × 1 अपॉन में, मत भूलिएगा। क्या आपको नहीं लगता कि इन 10 factorial के अंदर 2 बार t आया है? बिल्कुल आया है, तो 2 factorial से जरूर डिवाइड करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल अगर इसने स्टार्ट किया होता t से, समझने की कोशिश करना, ये क्वेश्चन मैं पुट ऑन कर रही हूं, यहां पे अगर हमने t पुट कर दिया और एंड किसी से भी कर दिया आपने, तो अगर आप 10 factorial ले रहे हैं तो उसके अंदर t जो है वो एक ही बार है ना, तब आपको 2 factorial से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल इस 10 factorial के अंदर टी 2 बार आया है तो हमने 2 factorial से इसको डिवाइड करा है। तो पहले सवाल का जवाब आपका हो गया 10 factorial upon 2। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, 10, 9, 8, 7, 2 factorial को 2 factorial से काट कर बाकी का आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कई टीचर्स अलाउ कर देती हैं कि आपको इतना ही छोड़ दीजिए क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशन है इसके अंदर, बट वैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1, 8, 1, 4, 4, 0, 0 जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है जी, चलिए अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। वॉवल्स आर ऑल टूगेदर, सारे वॉवल्स साथ आए, अब इसको कैसे निकालते हैं? टोटल अल्फाबेट कितने हैं? देखिए 12। अब इसमें वॉवल देखिए कौन कौन सा है, ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है, तो मतलब 5 वॉवल इसके अंदर पूरे के पूरे हैं। तो 12 में से 5 वॉवल है और 7 कॉन्सोनेंट हो गए आपके पास, राइट। अब ये बोल रहा है टुगेदर वाला केस, तो टुगेदर में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जी 12 फ्रेंड है, मूवी देखने जा रहे हैं, 5 बहुत पक्के फ्रेंड है, ये 5 में से कोई एक भी चला जाएगा तो सीट पक्की हो जाएगी, यानी आप इन 5ों को थोड़ी देर के लिए 1 मान सकते हैं। बिल्कुल, यानी जाकर सीट कितने लोगों को पकड़नी है? 7 ये जो अलग अलग है और 1 जो ये मुट्ठी है एक पूरी, तो 7 और 1 कितने लोगों को पहले जाके सिटिंग अरेंजमेंट देखना है? 8 लोगों को, राइट। फिर इनमें से कोई भी जो एक चला जाएगा तो 5 सीटें जो खाली होंगी वो 5 भी तो अरेंज होंगी यार, 5 में से कोई एक बैठेगा, फिर 4 में से कोई एक, फिर 3 में से कोई, फिर 2 में से, यानी इन 5ों में आपस में अरेंजमेंट होगा। अपॉन में मत भूलिएगा। क्या आपको नहीं लगता कि इसके अंदर 2 दो बार रिपीट हुआ है? बिल्कुल रिपीट हुआ है, तो 2 factorial से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर आपके पास वो वर्ड्स आ जाएंगे जिसमें वॉवल टुगेदर आया है। मैम अगर हमें ये निकालना हो वॉवल टुगेदर नहीं आया तो आपको क्या करना पड़ता है बच्चों? तब आपको सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने पड़ेंगे। उसमें क्या होगा, आप लिखोगे 12 factorial अपॉन में 2 factorial, ये आपके बन जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विदाउट एनी कंडीशन, ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है। इसमें से आपको ये वाला जो आंसर है वॉवल टुगेदर वाला वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएंगे वो वर्ड्स जिसमें वॉवल साथ में नहीं आया। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 8 factorial ओपन करेंगे, 5 factorial को 2 factorial तक रोक दीजिएगा और नीचे से काट दीजिएगा, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 4, 1, 9, 2, 0, राइट। चलिए देखते हैं थर्ड वाला केस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है देयर आर 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। अब देखिए पी एंड एस के बीच में 4 लेटर आने चाहिए ऐसा ये कह रहा है। पहली बात तो हमें यही नहीं पता कि पी कहां आएगा, तो लेट कर लीजिए कि पी यहां पर आया होगा। फॉर एग्जाम्पल पी अगर यहां पर आया होगा तो 1, 2, 3, 4 4 लेटर उसके बीच में आने चाहिए, तो एस यहां पर आया होगा। ठीक है, ये सिचुएशन हमने ली। अगर ऐसा है कि P यहां पर है, S यहां पर है, तो यहां पर एक ऑप्शन हो गया और यहां पर भी एक ऑप्शन हो गया। अब आपके पास टोटल 12 लेटर थे, एक आपने यहां पुट कर दिए, एक यहां पर, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 10, 9, 8, 7, ठीक है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी आपके पास यहां पर 10 factorial आ गया। अपॉन में क्योंकि इसमें T रिपीटेड है तो डिवाइड बाय 2 तो करना ही पड़ेगा, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, P यहां पर था, S यहां पर था, क्योंकि उसके बीच के 4 लेटर थे, तो आपने P फिक्स कर दिया, S फिक्स कर दिया, और बाकी के जो 10 लेटर्स थे उनको आपने अरेंज करना है। 10 में से कोई आ सकता है, या 9 में से कोई, या 8 में से कोई, 7 में से, 6, 5, 4, 3, 2, तो किसने कहा P यहीं आएगा? P यहां भी तो आ सकता है। अगर P यहां आया होगा तो S कहां आया होगा बच्चों? यहां पर आया होगा। ध्यान से देखिएगा, पहले मैंने S यहां लिखा था, अगर P यहां आया होगा तो S कहां आया होगा? यहां पर, यानी सेम ऐसी ऑप्शन एक और हो गई आपके पास। अच्छा, अगर P यहां आया होगा तो S यहां भी तो आ सकता है, यानी एक और ऑप्शन हो गई हमारे पास ऐसी। P अगर यहां आया होगा तो S यहां भी तो आ सकता है, इसका मतलब एक और ऑप्शन हो गई हमारे पास। P अगर यहां आया होगा तो S यहां भी तो आ सकता है, P अगर यहां आया होगा तो S यहां भी आ सकता है, और P अगर यहां आया होगा तो S यहां भी तो आ सकता है। यानी कितने ऑप्शंस हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ऐसे 7 सेम आंसर्स आपके पास हो सकते हैं। मतलब या तो ऐसा हो सकता था कि P यहां हो, S यहां हो, तो ये आंसर हो गया हमारे पास, या फिर
जब भी या फिर आता है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यानी ये सेम चीज मुझे कितनी बार प्लस करनी है बताओ, 7 टाइम्स प्लस करनी है ना सेम चीज। तो इसको 7 टाइम प्लस करने की बजाय आप क्या कर सकते हो, 7 से इंटू कर सकते हो। यस, तो ये आपके पास आ गया फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 7। अभी भी ये सवाल खत्म नहीं हुआ। देखिए, किसी ने आपको ये कहा था कि P पहले ही आएगा, S बाद में आएगा, किसने कहा था आपको? तो ये कहा था P और S के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता था कि यहां पर पहले S हो और यहां पर बाद में P हो, यहां पे S हो यहां पे P हो। यानी ये वाली ऑप्शन फिर से 7 दोहराई जाएंगी, 7 ऑप्शन फिर से दोहराई जाएंगी। तो यानी यही वाली सेम चीज एक बार और रिपीट हो रही है। तो इसको हमने क्या कर दिया, इंटू 2 कर दिया, राइट। तो एक बार इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इसमें बोला था P और S के बीच में 4 लेटर, तो हमने कहा या तो ऐसा हो सकता है कि P यहां पर हो, S यहां पर हो, ठीक है। अगर P यहां था, S यहां था, तो ये आपके पास आंसर आया था, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता था ना कि P यहां पर हो, S यहां पर हो, है ना। तो ऐसा करते करते आपके पास 7 ऑप्शन बन गए थे। यानी ऐसी सेम आंसर आप 7 बार प्लस करेंगे, क्योंकि या तो ये हो सकता था, या तो ये ऑप्शन हो सकता था, या तो ये 7 बार प्लस होना था, इसलिए इनटू 7 कर दिया। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि S यहां हो, P यहां हो, यानी बिल्कुल सेम चीज दोहराई जाएगी। यानी इसका डबल कर दीजिए, यानी आपके पास आंसर आ गया 14 इंटू दिस। तो ये वाला जो आंसर है, आपने ये देखिए पहले निकाल रखा है, ये देखिए निकला हुआ है आपके पास, तो इसको डायरेक्टली आप 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आई होप हमारी वीडियोस आपको कहीं ना कहीं कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा वाली जरूर लगे। और अगर आपको जरूर लगे तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को जिस भी तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं। अगर अपना कीमती समय निकालकर एक वीडियो शेयर कर सके जहां पर भी, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर, तो हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस।